नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं इंडिया चाइना के बीच में चल रही बॉर्डर टेंशन्स के बारे में। एक ऐसा क्रिटिकल इशू जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं करी गई हमारे टीवी न्यूज डिबेट्स में, क्योंकि शायद एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है यहां पर कि क्या चाइनीज इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस आए हैं, अगर हां तो किस एक्सटेंट तक, कितने लोग आए हैं, कितना एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया और इसके पीछे क्या रीजन है। इन सवालों के जवाब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं मिले। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया इन सवालों का, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं और कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के सोर्सेज हैं, उनको लेकर मैं आज के वीडियो में बात करना चाहूंगा और जानने की कोशिश करेंगे हम इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करूंगा यहां पर, ताकि आप दोनों साइड देख पाएं और जानने की कोशिश कर सकें कि यहां पर सच क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। पहले हम थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसे हम LOC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन जो चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख और इंडिया के बीच में बॉर्डर है उसे हम कहते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप मैप में देख सकते हैं, अक्साई चीन और इंडिया के बीच में जो लाइन है LAC, और POK और इंडिया के बीच में जो लाइन है वो है LOC। अब LOC और LAC के बीच में कुछ क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं। LOC बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को पता है कि एक्चुअली में कहां पर है ये बाउंड्री लाइन। लेकिन जो LAC वाली लाइन है दोस्तों, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इंग्लिश में इस चीज के लिए एक शब्द है, इसे कहते हैं डीमार्केटेड। तो LOC डीमार्केटेड है, LAC डीमार्केटेड नहीं है, यानी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। चाइना कहता है कि LAC एक्चुअली यहां पर है, इंडिया कहता है LAC एक्चुअली यहां पर है। दोनों कंट्रीज के अलग अलग परसेप्शंस हैं कि एक्चुअली में LAC कहां पर लाई करती है। और ये दोनों कंट्रीज के अलग अलग क्लेम्स होने की वजह से एक ओवरलैपिंग टेरिटरी बनती है दोनों कंट्रीज के बीच में। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बड़ा अच्छा डायग्राम है, न्यूज लॉन्ड्री के एक आर्टिकल में बनाया गया था। जो इंडियन टेरिटरी है वो ब्लू से रिप्रेजेंट करी गई है, जो अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कि चाइनीज भी मानते हैं कि वो इंडियन टेरिटरी है, और चाइनीज टेरिटरी जो अनडिस्प्यूटेड है वो रेड में मार्क करी गई है। तो इंडियन क्लेम लाइन जो है वो ब्लू डॉटेड लाइन है, और जो चाइनीज क्लेम लाइन है वो रेड डॉटेड लाइन है। चाइना कहता है कि मेरा कंट्री का बॉर्डर यहां तक आता है, इंडिया कहता है यहां तक आता है। तो दोनों के बीच में जो एरिया बचा वो ग्रे एरिया बन गया। यहां पर ग्रे एरिया को कहा जाता है एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन, यानी ADPA। रियलिटी में दोस्तों ये ग्रे एरिया कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है। अगर हम लद्दाख में पैंगोंग लेक की बात करें तो वहां पर जो ये ग्रे एरिया है करीब करीब सिर्फ 10 किलोमीटर का ही है लेंथ में, और कोई रहता नहीं है वहां पर। और आज से पहले तो, मतलब इस सिचुएशन होने से पहले तो, ना ही कोई इंडियन आर्मी ना ही चाइनीज आर्मी की पोस्ट भी थी वहां पर। बस इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करने आती थी उस एरिया में, और चाइनीज आर्मी भी पेट्रोलिंग करने आती थी उस एरिया में। और इसी रीजन की वजह से जब दोनों आर्मीज पेट्रोलिंग करने आ रही हैं तो उन दोनों आर्मीज के बीच में क्लैशेज होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जिसके बारे में आपने पहले भी पास्ट में सुना होगा कि हर 2-3 साल बाद कोई क्लैशेज हो रहे होंगे इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के बीच में। और वो इन्हीं ग्रे एरियाज की वजह से होते थे कि एक आर्मी पेट्रोलिंग करने आ रही है, दूसरी आर्मी पेट्रोलिंग करने आ रही है, फिर एक आर्मी दिखा रही है अपने बैनर्स पर लिख के कि देखो हमारे यहां पर, आप हमारे टेरिटरी में आ गए हो, प्लीज वापस चले जाओ यहां से। पिछले कुछ सालों से जब से इंडियन आर्मी ने अपनी इक्विपमेंट अपग्रेड करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया है, तो इंडियन आर्मी ने फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा ली है अपनी पेट्रोलिंग करने की। यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों से ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्रंटेशंस हैं चाइनीज आर्मी के साथ वो भी बढ़ गई हैं। जब भी ऐसा होता है तो दोनों साइड के मीडिया रिपोर्ट करते हैं कि इंट्रूजन हो गया है चाइनीज आर्मी का या इंडियन आर्मी का चाइनीज सॉइल में, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है दोस्तों, वो इस आम तौर के जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अभी का जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा माना गया है कि ये शुरू हुआ था 5 मई को, और पहली बार इस पर रिपोर्ट किया था इकोनॉमिक टाइम्स ने 12 मई को। ये पूरी सिचुएशन हो रही है पैंगोंग लेक में। पैंगोंग लेक लद्दाख में लेक है दोस्तों। अगर आपको 3 इडियट्स मूवी याद हो तो 3 इडियट्स मूवी के एंड में जो सीन होता है वो इसी लेक में शूट किया गया था। ये लेक बहुत ही लंबी लेक है, 130 किलोमीटर्स इन लेंथ है अराउंड, और 5 किलोमीटर्स इसकी ब्रेड्थ है। तो जो 3 इडियट्स मूवी में जो सीन था वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पे शूट किया गया था, और लेकिन इस लेक का 60% एरिया करीब करीब चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी में आता है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भी इस लेक के बीच में से गुजरती है। अभी जो पैंगोंग लेक है, अगर आप मैप में देखेंगे तो इसकी नॉर्दर्न साइड में कुछ पॉइंटेड एजेस से निकली हुई है, लेक की शेप ऐसी है। इन पॉइंटेड एजेस को फिंगर्स कहा जाता है लेक की। लेफ्ट साइड से शुरू करें, अगर हम वेस्ट साइड से शुरू करें तो फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 ऐसे नाम दिए गए हैं इन फिंगर्स के। तो फिंगर 8 वाला जो एरिया है वो इंडिया का क्लेम है कि LAC वहां पर लाए करती है, और जो फिंगर 2 वाला लाइन आती है अगर हम वहां से ड्रॉ करोगे तो चाइनीज का क्लेम ये है कि LAC एक्चुअली में वहां पर है। तो फिंगर 2 और फिंगर 8 के बीच में वो ग्रे जोन है मैप में, जो मैंने आपको पहले समझाई थी। अब अभी जो प्रॉब्लम हुई है, 4th-5th मई को कहा गया है कि जो प्रॉब्लम हुई थी कि चाइनीज ट्रूप्स फिंगर 5 तक पहुंच गए थे पेट्रोलिंग करते करते, और कॉन्फ्लिक्ट हुआ था।
दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि रिपोर्ट में बताया गया कि मई 10 से मई 11 के बीच में जब चाइनीज ट्रूप्स फिंगर 4 तक पहुंच गए पेट्रोलिंग करते करते और स्टोन पेल्टिंग हुई, हाथों से फाइट करी गई इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में, जिसमें 11 लोग इंजर्ड हो गए। लेकिन दोस्तों आज के दिन जो टेंशन की बात करी जा रही है, जो चाइनीज इंट्रूजन की बात करी जा रही है, सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग जगह पर करी जा रही है। पहला एरिया है पैंगोंग लेक जो मैंने आपको बताया, दूसरा एरिया है गलवान रिवर वैली लद्दाख में, और तीसरा एरिया है हॉट स्प्रिंग्स नियर कोनका पास। शुरुआत पहले हम करते हैं पैंगोंग लेक से। मैंने बात करी रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला जी से जानने के लिए कि उनके सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि चाइनीज इंट्रूजन कहां तक हुआ है पैंगोंग लेक में। आपके सोर्सेस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी जो तीन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहां पर चाइना कहां तक ऑक्यूपाई कर चुका है? पहले हम पैंगोंग लेक की बात कर लेते हैं। पैंगोंग लेक में पहाड़ी से जो स्पर्स नीचे की तरफ आते हैं लेक की तरफ, उन स्पर्स को नंबर दिए गए हैं। नंबर एक सबसे बाएं हाथ पे जो कि सबसे वेस्ट में पड़ता है, भारत की तरफ पड़ता है, और फिर नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, आठ तक, और आठ सबसे ईस्ट में है जो कि चाइना की तरफ पड़ता है। फिंगर एट से लेकर फिंगर फोर तक जो जमीन जो आज तक ऑक्यूपाइड नहीं थी, जिसमें ट्रूप्स नहीं थे, सिर्फ पेट्रोल दोनों तरफ के आते जाते रहते थे, अभी चाइना ने उसको फिजिकली ऑक्यूपाई कर रखा है। वहां पे आके बैठ चुके हैं, अपनी बंदूकें लाए हैं, ट्रेंचेस मोर्चे वगैरह तैयार कर रहे हैं और उसको पूरी तरह ऑक्यूपाई कर चुके हैं। फिंगर कितने सोल्जर्स आए हैं उस एरिया में जो फिंगर फोर से फिंगर एट के एरिया है? फिंगर फोर और फिंगर एट के बीच में 4,000 से 5,000 चाइनीज सोल्जर्स बैठे। अच्छा अच्छा। और ये 8 किलोमीटर का फासला है जो कि उन्होंने भारतीय टेरिटरी जो है, भारतीय जमीन अपना ली है। एक अलग व्यू पॉइंट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग जी की क्या असेसमेंट थी इस पैंगोंग लेक के एरिया को लेकर। इन्होंने अपनी राय द प्रिंट मीडिया वेबसाइट में लिखी और इनकी असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स निकले वो काफी सिमिलर थे जो अजय शुक्ला जी ने हमें बताया। फिंगर फोर और फिंगर एट के बीच में जो एरिया है वो चाइना ने अब ऑक्यूपाई कर लिया है, जो कि ग्रे एरिया के बीच में आता था। हालांकि इंडिया का जो क्लेम था वो फिंगर एट तक था, तो इंडिया के क्लेम के एरिया के अंदर भी अब चाइना आ गया है। और इनके हिसाब से ये 35-40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और चाइना ने अपने 1 से 2 बटालियन यहां पर बुला लिए हैं। इनका ये भी कहना है दोस्तों कि जो जर्नलिस्ट इन फिंगर्स को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इंडिया का क्लेम यहां था, चाइना का क्लेम यहां था, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया की टेरिटरी में ऑक्यूपाई कर लिया है। ये जर्नलिस्ट बेसिकली चाइना की साइड खेल रहे हैं, ये जर्नलिस्ट चाइना को फेवर कर रहे हैं ये डिनाई करके कि इंडिया के क्लेम के अंदर अब चाइना आ गया है। और अगर हम बाकी दोनों एरियाज की बात करें, जो गलवान वैली है और जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है? ध्रुव, गलवान में सिचुएशन सबसे खराब है। ये फिंगर एट और फिंगर फोर ये छोटे मोटे फिंगर्स हैं, छोटी मोटी जमीन है जो कि आगे किसी एरिया को डोमिनेट नहीं करती है और जिसको ऑक्यूपाई करने से चीन के सिपाहियों को कोई खास फायदा नहीं होता है मिलिट्री तौर पे। अच्छा। लेकिन गलवान में बहुत बड़ा मिलिट्री फायदा मिल रहा है उनको। गलवान वैली में आने से और गलवान के हाइट्स के ऊपर बैठने से चाइनीज सोल्जर्स अभी वो दौलत बे गोल्डी को जो श्योक और दरबुक से सड़क एक बनाई है भारत ने, 255 किलोमीटर की सड़क है जो कि नॉर्थ की तरफ जाती है दौलत बे गोल्टी की तरफ। अभी चीन के सिपाही जो गलवान वैली में आ चुके हैं वहां के आने से उनको ये बहुत फायदा मिल चुका है कि वो रोड को ओवरलुक करते हैं, उसके ऊपर फायर कर सकते हैं, आर्टिलरी और तोपों की का फायर उसके ऊपर ला सकते हैं, और अगर वो रोकना चाहें भारत को इस रोड का इस्तेमाल करने से तो वो पूरी तरह कर सकते हैं। तो ये गलवान का इंट्रूजन सबसे जो है हानिकारक है। एचएस पनाग जी ने भी अपने आर्टिकल में पॉइंट आउट किया है कि जो गलवान रिवर वैली वाला एरिया है यहां पर चाइना 2 से 3 किलोमीटर वैली के अंदर आ चुका है और हाइट पे इन्होंने एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। करीब 2 बटालियन इनकी हाइट पर मौजूद है जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर कोई भी हाइट पे होता है तो उन्हें नीचे अटैक करना ज्यादा आसान होता है। और एक और चीज इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट करी है कि जो डिफरिंग परसेप्शंस है, जो मैंने आपको बताया था कि चाइना का क्लेम यहां, इंडिया का क्लेम यहां है और ये बीच में ग्रे एरिया है, गलवान रिवर वाली वाली जगह पर ऐसा कोई ग्रे एरिया मौजूद नहीं है। इंडिया की और चाइना की कोई अलग अलग परसेप्शंस नहीं है, यहां पर एक सिंगल लाइन है। तो चाइना ने जो यहां पर इंट्रूजन किया है इनके अकॉर्डिंग वो एक्चुअली में इंडिया की टेरिटरी के अंदर घुस गए हैं। और जो डिफरिंग परसेप्शंस है इंडिया का क्लेम और चाइना का क्लेम, ये पैंगोंग लेक में तो क्लियर है, गलवान में भी ऐसा कुछ है क्या?
नहीं, ये सबसे जरूरी बात पे आप आए हो। गलवान ये एक ऐसा एरिया था जहां पे भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक आपस में नहीं भिड़ते थे, दोनों का क्लेम लाइन तकरीबन एक ही था। चाइना का खुद का जो है क्लेम लाइन लद्दाख में गलवान से हट के था, तो वो अंदर आने से चाइनीज सिपाहियों ने अपना खुद का क्लेम लाइन वायोलेट किया है। एंड थर्ड रीजन, हॉट स्प्रिंग्स रीजन, थर्ड रीजन जो हमारे सूत्र हैं भारतीय फौज में उनकी समझ में ये तीसरा एरिया जो है चाइना सिर्फ इस पर दबाव इसलिए डाल रहा है ताकि भारतीय सैनिकों को मतलब एक तरीके से ऑक्यूपाई कर दिया जाए, उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे आने से कोई खास फायदा नहीं है ना। अच्छा। कि बहुत ज्यादा जमीन उनके कब्जे में आई है ना कि कोई मिलिट्री फायदा है जैसे कि गलवान में उनको मिल रहा है। कुछ और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के व्यू पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय ने कहा है कि इस सिचुएशन को पुरानी सिचुएशन से मत कंपेयर करिए, ये कहीं ज्यादा गंभीर सिचुएशन है आज के दिन। कर्नल मलकियात सिंह ने कहा है कि ये सिचुएशन बेसिकली चाइनीज कारगिल की तरह है, इतनी क्रिटिकल है सिचुएशन। केजीएस अरोरा ने कहा है कि ये लॉस ऑफ नेशनल प्राइड है और ये बड़े शर्म की बात है कि कैसे नेता लोग इस, ये जो पूरा इशू है इस पे हमें डिफरेंट परसेप्शंस का बहाना देकर इस सिचुएशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एडमिट नहीं कर रहे कि इंडिया ने एक्चुअली टेरिटरी लूज कर ली है चाइनीज के हाथों से। इस पूरी सिचुएशन के दौरान दोस्तों हमारी सरकार का जनता के साथ कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं रहा है। राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कई चाइनीज लोग हैं जो इंडिया के वहां पर आ गए हैं, तो जब वो वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने शेयर करना शुरू किया कि देखो कैसे चाइनीज ट्रूप्स इंडिया के अंदर आ गए हैं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी एडमिट करने लग रहे हैं। तो पीआईबी ने एक फैक्ट चेक निकाला और बाद में सरकार ने इसको डिनाई कर दिया कि राजनाथ सिंह का ये मतलब नहीं था, उन्हें मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उनका मतलब था कि चाइनीज ट्रूप्स एलएसी तक आ गए हैं। तो जो जो लीडरशिप है भारत की, बीजेपी लीडरशिप, वो इतने मजबूत कदम नहीं उठा पाती है, लेकिन अपने जनता को ये नहीं दिखाना चाहती है कि हम चाइना के साथ सामने जो है कुछ और ही सिलसिला अपना रहे हैं। और इस वजह से उनका कहना शुरू से ये रहा है कि चाइना ने कुछ किया ही नहीं है। चाइना जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर थोड़ा सा इलाका जो है उन्होंने कब्जा करके फिर वो वापस चले गए। अपने जो है वो जो जो पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के समय और बालाकोट के समय जो सिलसिला अपनाया था कि भारत ने कुछ नहीं कहा, वो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं कि वो आए थे। उसी तरीके से अभी बीजेपी लीडरशिप चाइना के खिलाफ वही तरीका अपना रही है कि वो तो आए ही नहीं है। चाइना जो है इस वक्त भारतीय सरजमीन के ऊपर बैठी हुई है और लीडरशिप जो पाकिस्तान इंडिया के साथ कर रहा था, जो पाकिस्तान इंडिया के साथ कर रहा था उस टाइम पे, अब इंडिया चाइना के साथ कर रहा है। इंडिया चाइना के साथ कर रहा है। तो जो है ये लीडरशिप जो है एक किस्म से जो है अपने खुद की जमीन से, अपने खुद के सरजमीन से हाथ धो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार की तरफ से अच्छी स्ट्रैटेजी है कि सरकार हर चीज जनता को ना बताए, नहीं तो सरकार पे बहुत प्रेशर आएगा ओपोजिशन की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि एक तरफ एक्शन लिया जाए। अगर सरकार ज्यादा चीजें नहीं बताएगी लोगों को तो सरकार के पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम किस तरह से इस सिचुएशन को एड्रेस कर सकते हैं, शायद इस एरिया को हम जाने दें। लेकिन अगर जनता को ये पता लग गया, लोगों के अंदर आज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इतना ज्यादा है कि लोग छोड़ेंगे नहीं फिर सरकार को, तो सरकार के ऊपर फिर प्रेशर बढ़ जाएगा कि हम चाइना को उसी की भाषा में जवाब दें जैसे वो सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग जैसे लोग कहते हैं कि सरकार अगर ये इन्फॉर्मेशन जनता को डिनाई कर रही है तो सरकार बेसिकली एक तरह से चाइना के हाथों में गेम पकड़ा रही है। यहां पर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार की तरफ से एक सही डिसीजन है जनता को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ना बताना? नीचे कॉमेंट्स में लिखकर अपनी राय बताइए। यहां पर सवाल यहां पर ये उठता है कि चाइना एक्चुअली में इंट्रूजन्स करने क्यों लग रहा है इंडिया में? इसके पीछे कई अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं दोस्तों, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा। कई लोग कहते हैं कि चाइना बेसिकली अपने अपने खुद की कंट्री के अंदर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स जगा रहा है ताकि लोगों का ध्यान भटका सके इकोनॉमी से, जो इकोनॉमी क्रैश कर गई है कोविड-19 की वजह से।
कई लोग कहते हैं कि ये रीजन नहीं है, कई लोग कहते हैं रीजन है कि एक रोड जो इंडिया बनाने लग रहा है, चाइना को उस रोड से खतरा है और चाइना चाहता है कि उस रोड की कंस्ट्रक्शन को रोका जाए और किसी तरह से जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इंडिया को मिलेगी वो ना मिले इंडिया को। आपको क्या लगता है क्या रीजंस हैं इसके पीछे कि चाइनीज ऐसा कर रहे हैं? एक रीजन तो बताया जाता है कि ये DSDBO रोड जो बन रही है इसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है चाइना की तरफ से। देखिए, रोड को रोकना एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फायदा मिलता है, एक मिलिट्री टूल उनको मिल चुका है, लेकिन क्यों वो रोड रोकना चाहते हैं ये बहुत जरूरी बात है। और मेरे समझ में और कई विशेषज्ञों के समझ में बात ये है कि जब भारत ने 5 अगस्त को पिछले साल कश्मीर का स्टेटस बदली किया था, लद्दाख का स्टेटस बदली किया था, एक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के हिस्सा से वो एक यूनियन टेरिटरी बना दिया भारत ने लद्दाख को, और ये बोला कि अक्साई चीन जिसके ऊपर चीन का कब्जा है वो भी इसका एक हिस्सा है, तो इससे चीन को ये महसूस हुआ कि वो भारत यूनिलैटरली इस पूरे इलाके का स्टेटस तब्दील कर रही है, बदली कर रही है, और ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप स्टेटस बदली कर सकते हो यूनिलैटरली तो हम भी कर सकते हैं। पर ऐसा एक्शन लेने से जियोपॉलिटिकली उनको असर नहीं पड़ेगा? अभी वैसे भी वर्ल्ड ओवर काफी कंट्रीज चाइना के खिलाफ हैं, जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसको लेकर, और बाकी अलग अलग रीजन से हांगकांग में जो चल रहा है, यूके भी उसके खिलाफ है, तो चाइना के लिए बैकफायर नहीं करेगा कि हर कंट्री के साथ दुश्मनी ले ले वो यहाँ पर? देखिए, चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि हम एक ग्लोबल पावर हैं और हम जो है अपना जो हम मनमर्जी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं और कई फ्रंट्स पे कर सकते हैं। हमें वो दिन गए जब हम एक फ्रंट पे लड़ सकते थे, और अगर वियतनाम के साथ लड़ाई चल रही है तो हम भारत के साथ कुछ नहीं कर सकते। अभी चाइना का मानना ये है कि हम इस किस्म के सुपर पावर हैं कि मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर हम चाइनीज इंटरेस्ट को साइमल्टेनियसली जो है उसको परस्यू कर सकते हैं। तो चाइना जो है अभी बहुत एक मतलब एरोगेंट माइंड फ्रेम के अंदर है, और भारत जो है जो 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 एक काफी मजबूत पावरफुल और स्टेबल कंट्री है, चाइना ये भी दिखाना चाह रहा है कि भारत जो है हमारे साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है। जब हम भारत के खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहेंगे हम उठाएंगे। तो ओके, फाइनल क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है अभी जो बात हुई, बातचीत का क्या सोल्यूशन निकलेगा या निकल चुका होगा? आपके सोर्सेज ने क्या बताया? ध्रुव, अभी तक मेरे सोर्सेज का कहना यह है कि चीन जो है अपना रोब जमा रहा है, वो एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जिस जमीन पे हम आए हैं, जिस जमीन के ऊपर हमने कब्जा किया है वो चाइना की जमीन है, चाइना की जमीन हमेशा रही है और चाइना की जमीन हमेशा रहेगी। दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट इस सिचुएशन को लेकर मैं आपको देना चाहूंगा। कल आया था जब मैं वीडियो बनाने लग रहा था, हमारे कुछ मीडिया चैनलों ने पोस्ट किया कि चाइनीज ट्रूप्स गलवान वैली से 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं, डिसएंगेज कर लिया है उन्होंने। इसका सोर्स क्या है? ANI ने इसे पहले पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस से आया है इसका सोर्स। तो मैंने अजय शुक्ला जी से फोन पर पूछा उनकी क्या राय है इसको लेकर, उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से क्लेम सही नहीं है और कुछ प्रूव होता है इससे तो बस ये है कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। तो आने वाले टाइम में अभी और टॉक्स होंगे आपको लगता है, और ये सिचुएशन अभी तक वहीं अटकी हुई है जहां पहले थी? ध्रुव, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने उठाई है। जो टॉक्स हो रहे हैं वो कई लेवल्स पे हो रहे हैं। हमारी एम्बेसी जो है बीजिंग में, वहां हमारे एम्बेसडर बातचीत कर रहे हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ। एक बॉर्डर मैकेनिज्म दोनों साइड्स ने तैयार किया हुआ है कि कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, वो बॉर्डर मैकेनिज्म के स्तर पे भी बात हो रही है, और फाइनली मिलिट्री मिलिट्री बात भी हो रही है। सरकार की कोशिश ये है कि स्पॉटलाइट सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री के ऊपर रखे, ताकि जो है वो ब्लेम जो है आगे मिलिट्री के ऊपर जो है थोप सकते हैं। लेकिन बातचीत तीनों स्तर पे हो रही है, डिप्लोमेटिक स्तर पे, पॉलिटिकल स्तर पे, मिलिट्री स्तर पे, और क्या प्रोग्रेस होगा और किस स्तर पे जो है ये प्रोग्रेस होगा ये हमें आगे जाके देखने को मिलेगा।
इंटेंशंस के दौरान बॉयकॉट चाइना के नारे फिर से उठने लग गए हैं, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइनीज ऐप्स, बॉयकॉट मेड इन चाइना। इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है बॉयकॉट चाइना करना इंडिया की तरफ से, इस चीज की बात करेंगे हम दोस्तों फ्यूचर के किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पसंद आया दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या YouTube पर एक मेंबर बनके ज्वाइन बटन क्लिक करके, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियोज में फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।